प्रधानमन्त्रीको फिरोजपुर गस्त समय सुरक्षा उल्लङ्घन प्रसङ्ग पंजाब सरकारको विस्तृत रिपोर्ट मागिला केन्द्र गृह मन्त्रालय। यही चरम अवहेला पाई दायित्वले थिबा अधिकारीको उपरे तुरन्त कार्यानुष्ठान पाई मध्य गृह मन्त्रालय पंजाब सरकारको निर्देश दिएछि। सेबडे पूरा घटना पछरे बड़ षड्यंत्र सन्देह कथा सामना को आसुछि। विभिन्न जातीय गणमाध्यमर खबर अनुसार दुई दिन हेला जमा थिले आंदोलनकारी। सेपटे पंजाब मुख्यमंत्री ए संपर्क में जाणि नथिबा कहिछन्ति, जाकु नै प्रश्न उठुछि। मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी मानिबा को नाराज, तेबे पंजाब पुलिस किछि भी भूल करिछि, तेबे मुख्यमंत्री काहिके मिछ कहुछन्ति ताकु नै भी प्रश्न उठाइछन्ति विरोधी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बुधवार दिन पंजाब फिरोजपुर गस्तर जाई विभिन्न विकासमूलक प्रकल्पर भित्तिप्रस्तर करिबार कार्यक्रम रही। तेबे प्रधानमंत्री कारकेट भटिंडा विमानबंदर फिरोजपुर अभिमुखे सड़क पथे जाता बेले अधा रास्ता रे एक फ्लाईओवर रे कारकेट को 20 मिनिट रु ऊर्ध समय अटका जाता। पर गस्त कार्यक्रम बातिल करि पुणी भटिंडा विमानबंदर को फेरी आसीथिले प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री सुरक्षा क्षेत्र में यह एक बड़ धरणर अभाव बोली एमएचए पक्षर कहु। प्रधानमंत्री कार्यसूची और यात्रा योजना नहीं पंजाब सरकार को पूर्व अवगत करा, तेणु से सुरक्षा पर आवश्यक व्यवस्था करने कथा जो अवहेला घटी जहां उपर तुरंत कार्यानुष्ठान मंत्रालय पक्षर पंजाब सरकार को निर्देश दि जाने केन्द्र गृहमंत्री अमित शाह ट्वीट कर सूचना देते। इस शोक से यह प्रतीत होता है कि पंजाब में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री होते हैं, हमारा संघीय ढांचा है और इसलिए उनकी सुरक्षा में चूक किसी के भी द्वारा हो ये बहुत ही निंदनीय है। कांग्रेस शासित पंजाब की सरकार को देश की जनता से इस बात के लिए माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस सदैव से इस देश की संवैधानिक व्यवस्थाओं की अवमानना करती रही है। इसका एक उदाहरण एक बार फिर से देश ने देखा है। हमारी लोकप्रिय नेता और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के साथ जिस प्रकार की गंभीर चूक पंजाब के अंदर हुई है वो अक्षम्य है और यह एक शरारत भरा पूर्ण पंजाब सरकार की और कांग्रेस की एक दुर्भिसंधि को प्रदर्शित करता है। किसी भी राज्य के अंदर चाहे ऑपोजिशन गवर्न्ड हो कुछ भी हो, पीएम रूट के ऊपर इस तरीके की गड़बड़ नहीं होती। होम मिनिस्टर ने बड़ा सीरियस लिया इसको, लेना ही चाहिए क्योंकि वो प्रदेश के हालात बताता है। अगर किसी प्रदेश के अंदर इस तरीके की सिक्योरिटी बीच पीएम की सिक्योरिटी में हो सकती है तो कुछ भी हो सकता है। हम बॉर्डर स्टेट पे है जी। ए कॉन्स्पिरेसी हैच्ड बाय द कांग्रेस पार्टी एट द नेशनल लेवल विथ फुल नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट।